अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ हमारे ईद व्लॉग को इंजॉय करें। जी तो ईद उल अज़हा के 3 दिन की शदीद गर्मी के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद के 4th दिन बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। पहले हल्की बारिश शुरू हुई तो मुझे लगा सिर्फ इतनी ही रहेगी, लेकिन फिर एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जिसके बुलबुले बनते हैं। तो बहुत खूबसूरत बारिश, बहुत खूबसूरत मौसम, लेकिन लाइट हमारी सुबह 9 बजे से गई हुई है, स्टिल अभी तक हम उसका वेट कर रहे हैं। तो ये थी मौसम की अपडेट और यहाँ से हम चांद रात से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गर्मी की वजह से हम सब तो परेशान थे ही, जानवर भी बहुत परेशान थे, उसके साथ साथ लोड शेडिंग ने अजाब उठाया हुआ था। ईद पे भी एक दो दफ़ा तो चली ही गई और यहाँ पर मैंने औरंगज़ेब से कहा था कि मुझे चांद रात की थोड़ी सी रौनक की झलक दिखाएं, तो माशाल्लाह ये गलियों में मौजूद जानवर, लेकिन लेट नाइट था तो इसे लाइट्स वगैरह ऑफ हो चुकी थी तब तक। फिर माशाल्लाह से ईद का दिन आ गया और हमारी वही रूटीन हमेशा की तरह, औरंगज़ेब और अकीब उठ के रेडी होकर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, तो मैंने और मानो ने मिल के रूम की सेटिंग की, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे एक दिन पहले ही। पानी का मसला हमारी तरफ जों का तों है क्योंकि ट्यूबवेल का प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुआ। तो फिर जब सब नमाज पढ़ के आए तो हमने बाजार से नान चने मंगवा के उसका नाश्ता किया और फिर लंबी तान के सब सो गए। ये शुक्र है कि ईद वाले दिन लाइट आती रही। फिर सो के उठ के थोड़ा सा रेडी हुए ताकि घर के काम करते हुए खुशी महसूस हो। गोश्त की आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट सबसे पहले हमेशा ही वही आता है, तो वो आके गोश्त दे के गया, लेकिन वो बीफ था और मेरा इरादा मटन बनाने का था क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी जी की तरफ कुर्बानी है तो वहाँ से गोश्त आएगा। और अबू जी फिर आए गोश्त लेके, तो मैंने उसे धो के ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर मैं मानो को दिखा रही थी कि प्रेशर कुकर की रबड़ फिर से ख़राब हो गई है खोलने के बाद, तो मैंने इसे निकाल के फ्रीज़र में रख दिया चंद मिनट के लिए। जब वापस निकाली तो ये दोबारा काबिल इस्तेमाल थी, इसका मतलब है कि ये टोटका भी इफ़ेक्टिव है। चूँकि ईद वाले दिन तबीयत ठीक नहीं थी तो प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें बाद में याद आती थी, जैसे अबू जी आए, ईद मिल के गए, गोश्त दे के गए, याद नहीं रहा। इसी तरह सब आते रहे, मिलते रहे ईद, लेकिन बाद में याद आता था कि ओहो शूट किया जा सकता था। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ईद के 3 दिन के व्लॉग्स इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। 2 दिन का व्लॉग अभी आप इंजॉय करें, उसके बाद 3rd डे का व्लॉग इसके बाद आएगा। और लंच में हमने इंजॉय की ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो हमने प्रेशर में बनाई। शाम में अफशी खाला और छोटी भाभी हमसे मिलने के लिए आए, साथ में मटन कलेजी और सालन जो घर में बनाया था वो भी लेके आए, वो भी बहुत मज़े का सालन था, लेकिन बताया ना कि शूट नहीं कर पाई। और फिर रात में ईद उल अज़हा का ये रूटीन का काम किया कि गोश्त सारा निकाल के उसे साफ़ करके उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में अलग अलग रखे। ईद के रोज़ बहुत सारे मेहमान हमसे मिलने के लिए आए, लेकिन चूँकि उन्होंने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो रुके नहीं, बस गोश्त पकड़ाया और चले गए। जो मेहमान हमारे पास रुके उनको हमने मौसम के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह के साथ इंटरटेन किया। फिर एंड पे रात में हमने खुद भी घर में आइसक्रीम मंगवा के मज़े से इंजॉय की। फिर आ गया जी ईद का 2nd डे। 2nd डे की रूटीन में कुछ भी स्पेशल नहीं था, ना कहीं जाना था, ना किसी ने स्पेशल मिलने के लिए आना था, बस वही गोश्त आया, उसे समेटा, रखा, सब कुछ किया और ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव आपीजान की तरफ से आया था जो हर ईद पे वो बना के सबको खिलाया करती हैं। अब बहुत टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ सलामत रखे, तो इस दफ़ा सबके साथ मिलकर उन्होंने बनाया, लेकिन उनके बनाए हुए यखनी पुलाव की मिसाल कहीं नहीं मिलती। उसके बाद फिर सब ने घर में मिल के ये मज़ेदार सी मैंगो पार्टी इंजॉय की और औरंगज़ेब के हाथ से इंजॉय की, उन्होंने हम सबको काट के दिए और हम सब ने मज़े से इंजॉय किए। ये थी हमारी ईद के 2 दिन की मसरूफियत और रूटीन। दोनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर गए। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।